दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिनको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पीएम मोदी बोले, दुनिया को भारत पर भरोसा, 1.3 अरब भारतीयों का एक ही मिशन, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आपको बता दें कि चीन से पैदा हुई महामारी ने जब दुनिया को हलकान कर रखा है और चीन आधारित सप्लाई चेन का विकल्प खोजने की कोशिश हो रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। ये दावेदारी पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए पेश की और अमेरिका समेत तमाम देशों की कंपनियों से आग्रह किया कि वे भारत के राजनीतिक और नीतिगत स्थायित्व का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और इसका उदाहरण महामारी काल में भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से भारत में निवेश करने का फैसला है। महामारी ने दुनिया को दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित करने में केवल कॉस्ट ही नहीं बल्कि ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य भी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है। ऐसे समय जब दुनिया में प्रत्यक्ष विदेश नीति में गिरावट देखी गई, साल 2019 में भारत में FDI में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अपने मोबाइल पर इस खबरों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन पर रिया के घर NCB की रेड, खंगाले जा रहे मोबाइल और लैपटॉप। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI की जांच का आज 15वां दिन है। CBI के साथ ED और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच भी तेज हो गई है। आज सुबह NCB ने रिया चक्रवर्ती के घर पर छापा मारा। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी NCB की टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया और उसकी फैमिली NCB के निशाने पर है। ड्रग्स कनेक्शन में NCB ने अब तक 2 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है जबकि एक हिरासत में है। गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर ने ही रिया के भाई शोविक और सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था। वहीं एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम आज सुशांत केस में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि TikTok की भारत में हो सकती है वापसी, ये कंपनियां कर रही है खरीदने की तैयारी। भारत में फिर एक बार TikTok की वापसी हो सकती है। TikTok के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी SoftBank खरीदने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए वह भारतीय साझेदार की भी तलाश कर रही है और उसकी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से बातचीत चल रही है। गौरतलब है कि जुलाई में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला देकर TikTok सहित 58 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया था। आशंका जताई जा रही थी कि कंपनी यूजर्स के डेटा चीन की सरकार के साथ साझा कर रही है। TikTok पर अमेरिका में भी बैन है और वहां भी इसके कारोबार को खरीदने की कोशिश कई टेक कंपनियां कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि TikTok की चीनी पेरेंट कंपनी ByteDance में जापानी समूह SoftBank की पहले से ही हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसने TikTok का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए कोशिश शुरू की है और रिलायंस जियो इन्फोकॉम तथा भारतीय एयरटेल को भी साझेदार बनाने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि जियो और एयरटेल ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। SoftBank दूसरे विकल्प भी तलाश रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि JEE की परीक्षा देने पहुंचे कम छात्र, अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीतिक दलों, छात्रों और अभिभावकों की ओर से किए गए तमाम विरोध प्रदर्शनों और सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियानों के बावजूद JEE मेंस की परीक्षाएं पूरे देश में निर्धारित तारीख पर ही कराई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ भारतीय रेलवे ने भी छात्रों की मदद के उद्देश्य से कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। फिर भी विपक्षी दल इन परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार ही हमले बोल रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने JEE मेंस परीक्षा के छात्रों की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने अपनी ट्वीट में कहा कि आज JEE की परीक्षा में बंगाल में केवल 25% और अन्य राज्यों में 50% परीक्षार्थियों के ही भाग लेने वाली खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार अवसर की समानता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपने इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने BJP सरकार के खिलाफ कई सारे हैशटैग का इस्तेमाल भी किया था। इससे पहले गुरुवार को ही अखिलेश यादव ने JEE की परीक्षाओं से जुड़ा एक और ट्वीट किया था। अपने दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच परीक्षाएं कराने को लेकर निशाना साधा था। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश में 83,883 पार का बना विश्व कीर्तिमान, फिर भी लाखों बच्चे मजबूर हैं देने को इम्तिहान। इस ट्वीट में भी अखिलेश ने कई सारे हैशटैग का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा 66 दिन का रिकॉर्ड, 24 घंटे में आए 2,737 नए केस। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 2,737 नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 66 दिन बाद एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। इसके बाद कुल मामले 1,82,306 हो गए हैं और अब तक 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में जुलाई के पहले हफ्ते के बाद पहली बार कोरोना के इतने केस सामने आए हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि दिल्ली में 19 और लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 17,692 हैं। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अगस्त के महीने में मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। कोरोना के कम होते मामलों से दिल्ली वालों को एक उम्मीद जगी थी, शायद महामारी जल्द खत्म हो जाए, लेकिन एक बार फिर बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस से स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंतित है। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने कहा कि दिल्ली में केसों की संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए एक वर्गीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2 महीने की सख्त निगरानी के बावजूद अचानक से दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बाद ही केंद्र ने फिर से एक बार कमान संभाल ली है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 2 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में केंद्र और दिल्ली सरकार ने जब मिलकर निगरानी शुरू की तो महज 1 सप्ताह बाद ही मरीजों की संख्या में भारी कमी दिखाई देने लगी। लेकिन बीते 1 सप्ताह की स्थिति पर गौर करें तो 5 से 6 दिन में मरीजों की संख्या दुगना तक पहुंच गई है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि आगामी 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो भी शुरू होने वाली है। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही सार्वजनिक यातायात सेवाओं को बहाल करने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर अब तक केंद्र ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय टीमें बीते 3 दिन से दिल्ली की स्थिति को लेकर रोजाना बैठकें कर रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर तक अमेरिका में आएगी कोरोना की वैक्सीन, तैयारियां तेज। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि अक्टूबर के अंत तक उच्च जोखिम वाले लोगों को संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन देने के लिए तैयारियां शुरू करें। बुधवार को एजेंसी की ओर से प्रकाशित दस्तावेज में ये बात सामने आई है। वैक्सीन देने के समय को राजनीतिक महत्व के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने COVID-19 को रोकने के लिए वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। उन्होंने अरबों डॉलर का कमिटमेंट करने के बाद लोगों से नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खुद को जिताने की मांग की। राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू से ही मुखर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी ने अब तक 1,80,000 से अधिक अमेरिकियों की जान ले ली है। CDC के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी राइटर्स को बताया कि CDC की एक खास तैयारी है, जिसके तहत राज्यों को वैक्सीन वितरण के लिए कहा गया है, ताकि संभवतः अक्टूबर और नवंबर में सीमित मात्रा में वैक्सीन दी जा सके। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी थी कि CDC ने 50 राज्यों और 5 बड़े शहरों के अधिकारियों से इस बारे में संपर्क किया है। CDC की तैयारी है कि अक्टूबर तक अमेरिका में 1 या 2 वैक्सीन उतार दी जाए। इसकी मात्रा भले ही सीमित हो, लेकिन इसे देने की तैयारी तेजी से चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब कोरोना टेस्ट के लिए नहीं खाने होंगे धक्के, सरकार ने दी है बड़ी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान आज कैप्टन सरकार द्वारा नया फरमान जारी करते हुए कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अब सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों को धक्के नहीं खाने होंगे, क्योंकि अब कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों में पर्ची की जरूरत नहीं होगी। कोरोना टेस्ट के लिए सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी होगा। कोरोना टेस्ट करवाते वक्त लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया और टेस्टिंग की परेशानी को खत्म करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अकेले कार या साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर दिल्ली समेत पूरे देश की पुलिस लोगों का चालान काटने में लग गई है। इस सिलसिले में कार में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अकेले बैठकर कार चला रहे लोगों के मास्क पहनने का कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसी तरह अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना जरूरी नहीं है। अकेले साइकिल या फिर कार चला रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने के कारण चालान काटे जाने के बारे में एक सवाल के जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनमें यदि आप अकेले किसी कार को बैठकर चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है, इस आशय का कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। जाहिर है कि पुलिस बिना किसी दिशा निर्देश के अपनी मर्जी से ही इस तरह का चालान काट रही है। इसी तरह से राजेश भूषण ने भी ये साफ कर दिया कि अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति का भी मास्क नहीं पहनने के कारण चालान नहीं काटा जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 7 सितंबर से भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र, ऑनलाइन भेजने होंगे दस्तावेज। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र 7 सितंबर से भरे जाएंगे। CBSE ने देश के सभी स्कूल प्रबंधन को इस संबंध में सूचना भेज दी है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने का आखिरी मौका 15 अक्टूबर तक है। इसके अलावा 16 से 31 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि CBSE प्रबंधन ने स्कूल प्रबंधन के लिए शैक्षणिक सत्र
2020-21 के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों के तहत ऑनलाइन क्लासरूम, परीक्षा से लेकर अन्य काम होंगे। छात्र और अभिभावकों को ऑनलाइन ही सभी डॉक्यूमेंट स्कूल प्रबंधन को देने होंगे। आवेदन पत्र में माता, पिता या छात्र का नाम, जन्मतिथि की स्पेलिंग आदि सभी जांच कर भेजने होंगे, क्योंकि इस साल आवेदन में सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं कक्षा के सामान्य वर्ग के छात्रों को 5 विषयों के साथ आवेदन पत्र भरने की फीस 1500 रुपए होगी, जबकि आरक्षित वर्ग और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को 1200 रुपए लगेंगे। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय लेता है तो उसको अलग से 300 रुपए और देने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि न्यूज कंटेंट के शेयरिंग पर रोक लगा सकता है फेसबुक। 1 अक्टूबर से लागू हो रही है नई सेवा शर्त। दोस्तों आपको बता दें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज के शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी 1 अक्टूबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही है। फेसबुक की तरफ से नई सेवा शर्त जारी कर दी गई है। नई सेवा शर्तों के तहत फेसबुक किसी भी प्रकाशक या किसी भी व्यक्ति को स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से रोक सकता है। फेसबुक की नई सेवा शर्त दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होगी। हालांकि प्रकाशकों के साथ ऑस्ट्रेलिया में चल रहे विवाद को देखते हुए फेसबुक ने नई सेवा शर्त के तहत खुद को इस मामले में सशक्त किया है। फेसबुक की 1 अक्टूबर से लागू सेवा शर्तों में कहा गया है कि अगर फेसबुक को लगता है कि आपके किसी कंटेंट या पोस्ट से फेसबुक के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर सरकारी नियामक या एजेंसी फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो ऐसे कंटेंट या सूचना पर फेसबुक रोक लगा सकता है या फिर उसे हटा भी सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि फेसबुक ने कांग्रेस को दिया है जवाब। कहा कि हम निष्पक्ष माध्यम है और हर तरह की कट्टरता को खारिज करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कथित तौर पर दखल देने और राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों में घिरे फेसबुक ने कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब दिया है। फेसबुक ने कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में कहा है कि वह एक निष्पक्ष मंच है और सभी तरह की घृणा और कट्टरता को खारिज करता है। वह ऐसा मंच बने रहने की कोशिश करता है जहां लोग खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार कर सके। कांग्रेस के जवाब में फेसबुक ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि वह उच्चतम स्तर की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक के निदेशक नील पॉट्स ने पत्र में कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने कांग्रेस के भेदभाव के आरोपों को गंभीरता से लिया है। फेसबुक ने कहा है कि वे भविष्य में भी सुनिश्चित करेगा कि निष्पक्ष बना रहे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सुब्रत राय की सहारा में जमा 4 करोड़ लोगों की गाड़ी कमाई खतरे में। रकम पाने के लिए एडिया रगड़ रहे लोग, 15,000 शिकायतें दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा निवासी 50 वर्षीय कन्हैयालाल जाटव, जो पेशे से एक दर्जी हैं, ने साल 2018 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की एक निवेश स्कीम में रोजाना के 100 रुपए का निवेश शुरू किया, ताकि एक साल पूरा होने के बाद मार्च 2019 में उन्हें मूलधन के अलावा ब्याज के साथ अच्छी रकम मिल सके। एक साल से ज्यादा बीत गए जाटव अनगिनत बार सहारा हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके थक चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी गाढ़ी कमाई मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जाटव सुब्रत राय सहारा के नेतृत्व में संचालित सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों के उन 4 करोड़ निवेशकों में से शामिल हैं, जिनकी कमाई से तैयार राशि बही खाता अब केंद्र सरकार के रडार पर आ चुकी है और इन पर 86,673 करोड़ रुपए जमा करने के लिए निवेशकों से धोखाधड़ी करने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस रकम से सहारा समूह की फर्म एमबी वैली लिमिटेड में 62,643 करोड़ रुपए का गलत तरीके से निवेश किया गया। दोस्तों यहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में ही करीबन 1,000 जमाकर्ताओं ने जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज की है कि सहारा ग्रुप उनका निवेशित धन वापस नहीं कर रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है कि जिसमें लोगों से 15 सितंबर तक अपनी शिकायतें दर्ज करने को कहा है। इन शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर सहारा के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की शिकायत सेल उन पर गौर कर रही है। तो दोस्तों क्या आपने भी सहारा में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच चीनी रक्षा मंत्री ने जताई रूस में राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा। भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री जनरल वे फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की है। रूस की राजधानी मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक के इतर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वे फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन के समक्ष इस इच्छा को व्यक्त भी किया है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटनाक्रम को बेहद ही अहम माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह आज SCO की बैठक में शामिल होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि WHO से नाराजगी नहीं हुई है खत्म। अमेरिका ने बढ़ाया अलगाव का एक और कदम। कोरोना संकट से बुरी तरह से त्रस्त अमेरिका ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से
अलग होने के लिए अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बुधवार को अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वह WHO की सहभागिता वाले कोरोना वैक्सीन के निर्माण और वितरण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से अलग रहेगा। US स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका आज WHO से सम्मानजनक तरीके से हटने और अपने अगले कदम की घोषणा कर रहा है और अमेरिका संसाधनों का पुनर्निर्देशन कर रहा है। इस पुनर्निर्देशन में योजनाबद्ध वित्त वर्ष 2020 की शेष राशि को फिर से जमा करना शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य आंकलन का आंशिक भुगतान करने के लिए WHO के योगदान का मूल्यांकन करता है। प्रवक्ता ने कहा कि दुर्भाग्य से WHO अपने उपायों से न केवल कोरोना वायरस को लेकर बल्कि हाल के दशकों में अन्य स्वास्थ्य संकटों में भी बुरी तरह नाकाम रहा है। WHO ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी आजादी का प्रदर्शन शुरू करने के साथ ही तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने से इनकार कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पहले ही WHO पर चीन के साथ मिलीभगत करके कोरोना संबंधी जानकारियां छुपाने का आरोप लगा चुका है और इस कदम से मालूम पड़ता है कि अमेरिकी प्रशासन की नाराजगी अभी भी बरकरार है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आनंद शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी को पत्र भेजने से पहले उनकी सेहत की बार बार ली गई थी टोह। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के पहलुओं से जुड़ा प्रकरण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनिया गांधी की खराब सेहत के बीच 23 नेताओं के पार्टी की खबर स्थिति पर चिंतन के लिए भेजे गए पत्र के समय को लेकर राहुल गांधी के उठाए गए सवालों का कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने गैर वाजिब करार दिया है। शर्मा का दावा है कि सोनिया गांधी की सेहत की रोज खोज खबर लेने के बाद मुतमईन होने पर ही उन्हें ये पत्र भेजा गया और इस वजह से 15 दिनों तक इंतजार किया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ऑक्सीमीटर कैंपेन पर भड़के कैप्टन पंजाब CM ने अरविंद केजरीवाल को कहा पंजाब से दूर रहो। कोरोना संकट महामारी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अब ठन गई है। आम आदमी पार्टी के ऑक्सीमीटर कैंपेन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने CM केजरीवाल को पंजाब से दूर रहने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में पंजाब के लोगों से अपील की थी कि वे आपके कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने में मदद करें। उन्होंने कहा था हमने दिल्ली में ऑक्सीमीटर को मददगार साबित होते देखा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी पंजाब की हर गली मोहल्ले और गांव में ऑक्सीमीटर ले जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में मानसून व्यापक रूप से सक्रिय रहेगा। इन भागों में मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।